जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आज हम लोग स्वाका बिजनेस मशीन्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। बेसिकली इसका जो राइट इशू ओपन हुआ है, राइट इशू के बारे में ही इसमें हम लोग बात करेंगे। आपको बताऊंगा राइट इशू क्या होता है, आपको इसमें क्यों अप्लाई करना चाहिए, नहीं अप्लाई करेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कैसे अप्लाई करना है, और नहीं भी अप्लाई करना चाहते तो कम से कम ये जो आरी शेयर्स जो कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स आपको मिले होंगे तो उसको आरी शेयर्स कहते हैं, उसको जरूर बेच दीजिएगा। ये बेचने का लास्ट डेट कब तक है मैं आपको बता दूंगा। नहीं बेचेंगे तो क्या होगा कि ये आपके डीमैट अकाउंट से कुछ दिनों के बाद गायब हो जाएगा और फ्री में एक प्रकार से आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको आरी जो राइट इशू है इस कंपनी का, इसके बारे में संपूर्ण डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो आसान भाषा में आपको आरी राइट इशू के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो यहां पर देखेंगे मैंने स्वाका बिजनेस मशीन्स लिमिटेड के जो राइट इशू है इसको कंप्लीट डिटेल्स यहाँ ओपन कर लिया है। सबसे पहले देखिए जो इशू ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है 2 अप्रैल से और क्लोज हो जाएगा आपको 12 अप्रैल को। यानी कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहते हैं यदि आप, तो 12 अप्रैल तक आपके पास समय है, 12 अप्रैल के पहले अप्लाई कर दीजिएगा। कैसे अप्लाई करना है मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। सबसे पहले समझिए कि राइट इशू कंपनी लेकर क्यों आती है। लेकर इसलिए आती है क्योंकि कंपनी को पैसे की जरूरत होती है। जब भी कंपनी को रुपयों की जरूरत होती है, कंपनी देखिए रुपयों की जरूरत है तो कंपनी कई तरीके से रुपये जुटा सकती है, चाहे तो आईपीओ ला सकती है, लेकिन आईपीओ तो एक ही बार आता है जब कंपनी शुरू में लिस्टेड हो रही होती है। तो बाद में जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो कंपनी एफपीओ लेकर आती है या फिर राइट इशू लेकर आती है। तो अभी राइट इशू आया है। राइट इशू एक आसान सा तरीका होता है पैसा जुटाने का। इसमें सिंपल कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको थोड़ा कम प्राइस पे शेयर्स देके कंपनी जरूरत भर के पैसे उठा लेती है। देखिए यहाँ पे जो कंपनी पैसे जुटाने जा रही है इस राइट इशू के जरिए, तकरीबन 45-46 करोड़ के आसपास अमाउंट कंपनी इस राइट इशू के जरिए जुटाएगी और इसका यूज कंपनी करेगी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में। तो जब कंपनी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए पैसा जुटाते हैं तो वो बढ़िया होता है। और इसमें क्या होता है कि कंपनी मार्केट प्राइस से कम प्राइस पर आपको कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स आपको देती है, कहती है कि ये जो एक्स्ट्रा शेयर्स हम आपको दे रहे हैं मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे, इसमें आप अप्लाई कर दीजिए और ये शेयर्स आपको आपका मतलब हो जाएगा, पूर्ण रूप से आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस एक्स्ट्रा शेयर्स को हम लोग आरी शेयर्स कहते हैं। अब ये जो आरी शेयर्स होता है बेसिकली ये इस जो आरी शेयर्स ये सबको नहीं मिलता है, ये जो व्यक्ति एलिजिबल होते हैं उनको मिलता है। एलिजिबल कौन लोग होते हैं? जिन लोगों के पास पहले से इस कंपनी के शेयर्स हैं, रिकॉर्ड डेट होता है बेसिकली, इसके लिए मैं रिकॉर्ड डेट भी बता दूंगा। उसके पहले यदि आपने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, कितने शेयर्स यहाँ पे देखेंगे तो इसके लिए जो रेशियो रखा गया है 4:1 का रखा गया है। यानी कि आपके पास यदि एक शेयर्स हैं तो आपको 4 एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे, और ये कब आपने बाई किया ये भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखेंगे इसके लिए रिकॉर्ड डेट रखा गया है 7 मार्च को। 7 मार्च के पहले यदि आपने बाई किया था, 7 मार्च के बाद जिन लोगों ने बाई किया होगा वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे इस राइट इशू में अप्लाई करने के लिए। सिर्फ 7 मार्च से पहले बाई करने वाले इस कंपनी के शेयर्स वही लोग एलिजिबल होंगे। तो उनको यदि इनके पास कम से कम एक शेयर्स है तो 4 एक्स्ट्रा शेयर्स मिलेंगे, और इसके लिए जो प्राइस रखा गया है 1 रुपये रखा गया है। हालांकि मार्केट में भी इस कंपनी का शेयर प्राइस देखेंगे तो 1.5 रुपये के आसपास चला है, तो मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे ही कंपनियां राइट इशू लेकर आती हैं। अब 4 शेयर्स आपको मिला है तो इस 1 रुपये के हिसाब से उस 4 शेयर्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई कैसे करना है? सिंपल, आपको जिस भी बैंक का आप यूज करते हैं, जो भी बैंक मान लीजिए SBI या स्टेट बैंक या कोटक बैंक, उसका नेट बैंकिंग यूज करना है। नेट बैंकिंग यूज करते होंगे तो बढ़िया बात है, नहीं यूज करते होंगे तो सिंपल आपको जो भी बैंक आप यूज करते हैं उसका आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसमें यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिए, आपका नेट बैंकिंग चालू हो जाएगा। कुछ नहीं समझ में आएगा तो इसके अपने बैंक के कस्टमर केयर से बात कर लीजिएगा, वो आपकी हेल्प कर देंगे। और एक बार नेट बैंकिंग चालू हो गया तो उस एप्लीकेशन में जाइएगा, वहाँ पर देखिएगा कि आसबा का ऑप्शन कहाँ पर आ रहा है। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक अमाउंट एक ऑप्शन होता है, और चाहे तो कस्टमर से भी आप अपने हेल्प ले सकते हैं। इस आसपास का ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे जितने भी रिसेंट आईपीओ या जो राइट इशू है ओपन है वो सब आपको दिख जाएगा। तो आपको राइट इशू में जाना है, यहाँ पे स्वाका बिजनेस का राइट इशू दिख जाएगा, ओपन कीजिएगा। 4 जितने के लिए आप एलिजिबल हैं, जितना आरी शेयर्स आपको मिला है उतना डालिएगा और उतना अप्लाई कर दीजिएगा। तो आपको क्या होगा कि आपका अप्लाई हो जाएगा इस राइट इशू में। अब जब आपका अप्लीकेशन बिड सक्सेसफुली हो जाएगा, बिड लग जाएगा, तो ये आपको अलॉटमेंट होने की जो इसकी डेट रखी गई है वो रखी गई है 19 अप्रैल तक। 19 अप्रैल तक आप शेयर अलॉट हो जाएंगे। हालांकि आपके डीमैट अकाउंट में पूर्ण रूप से क्रेडिट होगा 24 अप्रैल को, और इसकी लिस्टिंग होगी सिर्फ BSE पर 26 अप्रैल को। BSE पर लिस्ट हो जाएगा और ये पूर्ण रूप से मतलब ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा जो आरी शेयर्स हैं।
अब यदि आपको इस राइट इशू में अप्लाई नहीं करना है तो जो आरी शेयर्स यानी कि जो एक्स्ट्रा शेयर्स आपको मिले हैं जितने भी मिले हैं उसको आप क्या कीजिएगा 8 अप्रैल के पहले तक बेच दीजिएगा। इसको कहते हैं रीनंसिएशन ऑफ राइट इंटाइटलमेंट्स। नहीं बेचेंगे तो क्या होगा कि 8 अप्रैल के बाद जो एक्स्ट्रा शेयर्स आपको मिले हैं वो डीमैट अकाउंट से गायब हो जाएंगे, तो आपको एक प्रकार से फ्री में नुकसान हो जाएगा। इसलिए यदि अप्लाई करना है तो मत बेचिएगा, नहीं अप्लाई करना है तो जो एक्स्ट्रा शेयर्स मिले हैं उसको बेच दीजिएगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो इससे आपको थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ राइट इशू के बारे में जो भी जानकारी मैंने यहाँ पर दी आपको समझ में आ रहा होगा। मन में कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ कर बात कर सकते हैं, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।